वेलकम टू माई चैनल। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे DUSOL एनुअल मोड वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो दोस्तों, मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को बैक टू बैक आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेकर आऊँगी, आप लोगों को आपके एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कराने वाली हूँ। सो दोस्तों, मॉर्निंग के अंदर मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को कम्प्लीट एक्सप्लेन किया था कि कैसे आप लोग इतने कम टाइम के अंदर अपने एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो दोस्तों, उसी से रिलेटेड आज की ये वीडियो होने वाली है। सो दोस्तों, आप लोगों को आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आप लोगों के लिए। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे BA प्रोग्राम थर्ड ईयर के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में। आज मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो कि आप लोगों के एग्जाम में प्रीवियस ईयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम रिपीट हुए हैं। एंड गाइज, आज मैं आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी उन सभी क्वेश्चन के आंसर भी मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर दूंगी। सो आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से हम हमारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं एंड वन बाय वन करके हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सो दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हैंस जे मार्गेंथो के यथार्थवादी सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। सो दोस्तों, मार्गेंथो का यथार्थवाद, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के थर्ड ईयर के अंदर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंदर। सो दोस्तों, आप लोगों को इस टॉपिक को अच्छे से कर जाना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में ज़रूर आएगा। सो दोस्तों, आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं सभी के आंसर आप लोगों के लिए बैक टू बैक आने वाले हैं। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण के महत्व का परीक्षण कीजिए। सो दोस्तों, विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण के बारे में आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड के अंदर। सो विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एवरी ईयर रिपीट हुआ है। सो दोस्तों, इसका आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है हमारा शीत युद्ध के कारणों और परिणामों की व्याख्या कीजिए। तो शीत युद्ध के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। दोस्तों, शीत युद्ध इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली इसके अंदर से बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, ये भी आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा अपने एग्जाम से पहले। अब बात करते हैं दोस्तों हम हमारे क्वेश्चन नंबर फोर की, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों पर एक निबंध लिखें। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने क्या प्रभाव डाले, इनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, प्रभावों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। सो दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं दोस्तों जो कि आपको मिस नहीं करने हैं। एग्जाम से पहले आपको एक बार इन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ लेना है एंड मैं भी आप लोगों के लिए इन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। सो दोस्तों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फोर। अब बात करते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर फाइव की दोस्तों, जो कि है भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक तत्व का वर्णन करें। सो दोस्तों, भारत की विदेश नीति के बारे में आपसे पूछा जा रहा है यानी कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में। दोस्तों, इंडिया से रिलेटेड दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के हर पेपर सेट के अंदर देखे हैं, तो इंडिया से रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चंस को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को फिफ्थ क्वेश्चन अच्छे से करना है, मैं आप लोगों को अच्छे से इसके प्रॉपर आंसर को प्रोवाइड कर दूंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर सिक्स की, जिसके अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि शीत युद्ध युग में गुट निरपेक्षता की प्रसंगता की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों, गुट निरपेक्षता का सिद्धांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों शीत युद्ध के टाइम पे एक तरफ अमेरिका था तो दूसरी तरफ था USSR, तो इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे देश फंसे हुए थे जो ना तो अमेरिका की तरफ जाना चाहते थे और ना ही USSR की तरफ। तो उन देशों ने मिलकर गुट निरपेक्षता का सिद्धांत बनाया और गुट निरपेक्षता के सिद्धांत को फॉलो किया। इसके अंदर हमारे इंडिया का भी इम्पॉर्टेंट रोल है गाइज, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएगा, बहुत ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से कर जाना है। अब बात करते हैं दोस्तों हम हमारे क्वेश्चन नंबर सेवन की। क्वेश्चन नंबर सेवन के अंदर हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों, वैश्वीकरण का अर्थ तथा इसके विभिन्न आयामों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, वैश्वीकरण का अर्थ आपको बताना है क्वेश्चन नंबर सेवन के अंदर और इसके विभिन्न आयामों के बारे में आपको बताना है। तो ये भी मैं आपको करा दूंगी, वैश्वीकरण भी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन मैंने आपका ये काफ़ी ज़्यादा टाइम देखा है। अब बात करते हैं दोस्तों हम हमारे क्वेश्चन नंबर एट की, जो कि है संयुक्त राष्ट्र की शक्तियों
और कमजोरियों का विश्लेषण कीजिए। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की क्या क्या शक्तियाँ हैं और क्या क्या इसकी कमजोरियाँ हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर जे एन किटनर के नारीवादी दृष्टिकोण का विस्तृत वर्णन कीजिए। सो दोस्तों, हमारे एक बहुत फेमस थिंकर हैं जिनका नाम है जे एन किटनर। इनके नारीवादी दृष्टिकोण को आपको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने आपका काफ़ी ज़्यादा देखा है प्रीवियस ईयर के अंदर, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों, ये मैं आपको अच्छे से कंप्लीट करा दूंगी। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की दोस्तों, जो कि है द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों का वर्णन कीजिए। सो दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड आपको कारण भी ध्यान रखने हैं, इसके क्या क्या प्रभाव पड़े ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगी। ये दो टाइप के क्वेश्चन आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाले टॉपिक से बनेंगे। हमारा 11th क्वेश्चन है दोस्तों, निबंध लिखे हैं। तो दोस्तों, तनाव शीतलता भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या है, ये कैसे स्टार्ट हुआ, इससे रिलेटेड चीज़ें भी मैं आपको सारी कवर करा दूंगी। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वो है हमारा क्योटो प्रोटोकॉल में वैश्विक ताप की समस्या को संबोधित करने में सहायता की है। सो दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल ने वैश्विक ताप की समस्या को संबोधित करने में सहायता की है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल एंड जो भी हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशू हैं, वो आप लोगों के प्रीवियस ईयर के अंदर रिपीटेड थे। एक क्वेश्चन इन्वायरमेंट के इशू से आपके क्वेश्चन के अंदर था, क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो दोस्तों, ये भी मैं आपको करा दूंगी। इन्वायरमेंट से रिलेटेड और भी अदर जो भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको अच्छे से कवर करा दूंगी। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आप लोगों के लिए बैक टू बैक लाने वाली हूँ, बट इसके लिए आप लोगों को इस वीडियो को ढेर सारा सपोर्ट करना है गाइस। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। आज की इस वीडियो पर हम 1000 लाइक का टारगेट रख देते हैं। 1000 लाइक आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा प्लीज़, एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। एंड यस, चैनल के ऊपर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।